हरे कृष्णा, शिखा क्यों रखते हैं? आखिर शिखा रखने का कारण क्या है और उसके नियम क्या क्या होते हैं? तो आज हम आपको शिखा से जुड़ी 10 जानकारियां देंगे कि क्यों शिखा हमें रखनी चाहिए। साइंटिफिक और स्पिरिचुअल दोनों तरफ से हम बातें करेंगे और हम आपको नियम भी बताएंगे कि शिखा रखने के क्या क्या नियम होते हैं और कैसे उसको बांधा जाता है, कितनी लंबी होती है, कब नहीं बांधा जाता है, कब खोला जाता है, एवरीथिंग। नंबर 1, जब एक भक्त शरीर छोड़ता है तो भगवान उसे कहां से खींचते हैं? तो जब नॉर्मल कोई व्यक्ति अगर शरीर छोड़ रहा है तो आत्मा कहां से निकलती है? 9 द्वार होते हैं हमारे, 2, 2 4, 5 6, 7 और 2 जननेन्द्रियां, ठीक है, ये 9 द्वार होते हैं, यहां से आत्मा निकलती है। लेकिन जब भक्त शरीर छोड़ता है तो भगवान उसे आज्ञा चक्र से खींचते हैं, जो कहां पे होता है, ये जो हम लोग शिखा रखते हैं, शिखा के बिल्कुल नीचे आज्ञा चक्र, यहां से भगवान बाहर खींचते हैं। नंबर 2, जो जीव आज्ञा चक्र से निकलती है वो जीव जाती है भगवान के धाम। नंबर 3, तो ये जो आज्ञा चक्र है हमारा, इसकी प्रोटेक्शन के लिए हमें कुछ हेयर चाहिए होते हैं, कुछ बाल चाहिए होते हैं, इसलिए हम शिखा रखते हैं ताकि जो हमारा आज्ञा चक्र है वो सेफ रहे। तो जैसे अगर हम बात करें माता जी में, तो वो लोग तो बाल कटवाते नहीं, तो उनका तो ऑटोमेटिकली वो ढका रहता है, इसलिए उनको शिखा की कोई आवश्यकता नहीं होती। नंबर 4, और जो हमारी ये जो शिखा है, इट इज लाइक अ स्पिरिचुअल एंटीना। जैसे एंटीना होता है ना, आप पुराने जमाने में, अगर पता नहीं अब तो आप लोगों को नहीं पता होगा, जो पहले के जो लोग हैं उन्हें पता है कि एंटीना होता था। पहले जब टीवी चलाना होता था तो ऊपर एंटीना लगता था टीवी के, तो दूरदर्शन आता था चैनल, तो वो एंटीना को इधर उधर घुमाते थे, अब आया नीचे से, ऊपर से चिल्लाते थे आया आया, तो नीचे चिल्लाते नहीं आया, बोले आया नहीं आया, टीवी पर आता नहीं था, फिर मतलब उसको एंगल कहाँ घुमा दे, फिर एक जगह घुमाते थे, बोलते आया, हाँ आ गया आ गया आ गया, मतलब क्लियर आ गया, नहीं तो वो इधर उधर क्लियर नहीं आता था टीवी में, तो ऊपर से एंटीना घुमाते थे। तो क्या वो एंटीना कहाँ से कनेक्शन हो रहा है, वो कनेक्शन ले रहा है ना वो कहीं टावर से? तो वैसे ही ये जो हमारा शिखा है हमारी, ये है स्पिरिचुअल एंटीना जो हमें भगवान से जोड़ के रखती है। और अगर जीव जो है, जो भक्त है, वो माया में अगर फंस जाता है तो गुरु और जो भगवान है उसे खींच कर लेकर आते हैं, कहाँ से? शिखा से। नंबर 6, शिखा ये इंडिकेट करता है कि भगवान हम आपके दया पर ही आश्रित हैं, हमारा और कोई नहीं है, भगवान हमारा आपके अलावा कोई भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आप ही हैं हमारे प्राणनाथ और कोई नहीं है, हम आपकी दया पर आश्रित हैं। नंबर 7, ये एक सिंबल है रिनन्सिएशन का भी, त्याग का, वैराग्य का, कि हाँ हमने शिखा रखा हुआ है, मतलब कि हम भगवान से जुड़े हुए हैं, हमने अपना जीवन भगवान के लिए समर्पित कर दिया है, तो एक वैराग्य, त्याग का भी सिंबल है ये। नंबर 8, शिखा ये भी दर्शाता है कि भगवान और जीव अलग अलग है, मतलब शिखा जो है वो एक रूप से अगर हम देखा जाए तो वो भगवान का रूप है, मतलब कि उसे भगवान के रूप में देख रहे हैं, और ये छोटे छोटे हमारे बाल होते हैं वो होते हैं जीव, मतलब भगवान और जीव में अंतर है, ड्यूअलिटी, भगवान और जीव एक नहीं है, आत्मा परमात्मा एक नहीं है। नंबर 9, शिखा रखने से कॉस्मिक एनर्जी भी है वो भी अट्रैक्ट होती है, जो एनलाइटनमेंट जो होता है, जो आप देखते हैं जो योगी होते हैं या भक्त होते हैं, एनलाइटनमेंट होता है, कहते हैं ना दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित हो, तो ये शिखा के द्वारा वो कॉस्मिक एनर्जी को अट्रैक्ट करता है। और ऐसा भी कहा जाता है कि शिखा रखने से हेयर लॉस बहुत कम होता है। नंबर 10, जो शिखा जो है हम यहाँ पे रखते हैं तो यहाँ पे एक प्रेशर पड़ता है हमारे, मतलब ऐसा नहीं है बहुत तेज प्रेशर, मतलब कि टच हो रहा है ना तो एक हल्का प्रेशर लग रहा है हमारे ब्रेन के अंदर, तो कहते हैं कि ये जो प्रेशर बन रहा है इससे हमारा कंसंट्रेशन बढ़ता है, हमारी जो मेमोरी पावर है वो बढ़ती है, इंप्रूव होती है हमारी मेमोरी पावर, और हमारा माइंड जो है वो कंट्रोल में रहता है। तो ये थे 10 फैक्ट्स शिखा से लेके कि क्यों हमें रखना चाहिए। अब शिखा का क्या नियम होता है शिखा को रखने का, मतलब कब उसे हम बांधते हैं, कब खोलते हैं, तो कितनी लंबी होनी चाहिए? तो श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि सबसे पहले तो जो शिखा है वो 1 इंच से 1.5 इंच लंबी होनी चाहिए, उससे ज़्यादा लंबी नहीं, और हमेशा वो बंधी हुई होनी चाहिए। किस केस में हम उसको खोल के रखते हैं? जब हम सोने के लिए जाते हैं, यानी कि रात को जब हम सोने के लिए जा रहे हैं तो शिखा को खोल देना चाहिए, या हम अगर फ्यूनरल राइट्स में जा रहे हैं किसी के, या जब हम स्नान करने के लिए जाते हैं, तो शिखा खुली हुई शिखा क्या इंडिकेट करती है कि फैमिली में किसी की डेथ हुई है, तो जब सूतक चलता है किसी की डेथ होती है तो उस समय भी शिखा खुली हुई होती है, तो ये बहुत इनऑस्पिशियस होता है अगर हमारी शिखा खुली हुई है, हमेशा शिखा को नॉट करके रखना चाहिए, उसमें गांठ लगा के रखना चाहिए हमें। तो कई लोग बोलते हैं कि जैसे हमारी छोटी शिखा है हम बांध नहीं सकते उसमें, तो कोई बात नहीं, आप बांध नहीं सकते तो उसमें रबर लगा सकते हैं आप, छोटा रबर लगा सकते हैं, अगर वो भी पॉसिबल नहीं है तो ठीक है उसे खुला छोड़िए, लेकिन जब वो बड़ी हो जाए तो उसको हमेशा बांध कर ही
रखना चाहिए। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।